और यहाँ धीरे धीरे। और देखिए यहाँ पे ये रेलिंग्स जो है लोहे की लगाई गई है, काफ़ी अच्छी देखने में लग रही है, ब्लैक एंड वाइट कलर में। और ये दोस्तों पूरा रानी बाज़ार एरिया है, जितना भी मार्केट आपको पड़ेगी इस रोड पे हर जगह ये बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं, नाइट्स का भी। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं एक चीज़, देखिए कितने सिस्टम से इसको ये फंसाया गया, लोहे का यहाँ पे ये लगाया गया, ये पट्टा काफ़ी मज़बूत है, मतलब ये जो है ना सड़ेगा ना गलेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा एकदम कई साल तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब देखिए क्रॉसिंग के नीचे की भी जो स्थिति है वो कुछ अभी मौके पर ऐसी हुई है जो कि बन के कम्प्लीट है, तो सबसे लेट वाला काम इधर ही होता है क्रॉसिंग के ऊपर जो बनाया जाता है, एकदम एक नंबर की रोड बन चुकी है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब, फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो में। तो बहुत दिन हो गया है हमने आपको रायबरेली फोर लेन का अपडेट नहीं दिया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं रायबरेली फोर लेन कितना अपडेट हो चुका है पहले से। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से इनायत नगर की सीमा प्रारंभ होती है पीछे के साइड, और आगे की साइड जिधर चलेंगे वो अयोध्या के तरफ, और ज़्यादा पीछे जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और पीछे की हमने कई लोगों के वीडियो देखा हुआ है क्योंकि पीछे काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है, सिर्फ 10 से 5% काम बचा हुआ है। तो जो हम आगे आपको दिखाएंगे इधर का काम बचा हुआ है जो कि अयोध्या शहर की तरफ का, तो चलिए आपको दिखाते हैं और अपडेट देते हैं इस रायबरेली फोर लेन का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं। देखिए ये बज रहे हैं अभी दोपहर के 1, तो चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं। गर्मी भी काफ़ी तेज़ हो रही है और हम इस खड़े हैं एक पुल के ऊपर। कुछ टाइम काफ़ी टाइम की पहले की वीडियो में आपने देखा होगा तो जिधर साइड से हम चल रहे हैं ये बंद था और उधर साइड वाला वो चालू था। ये देखिए ये यहाँ पे एक तालाब है, काफ़ी बड़ा सा तालाब, उसी के ऊपर ये पुल बना हुआ है। और आप देखिए रोड, और रोड को इंजॉय करिए जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन चुका है। ये अभी आगे आपको देखने को मिलेगा क्या अपडेट हुए हैं। तो बाइक जो है थोड़ी तेज़ी ही चलाऊंगा क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है अयोध्या से इनायत नगर, उस साइड वो वहाँ पे देखिए बाउंड्री दिख रही है छोटी छोटी, उतने तक में रोड, मतलब कभी भविष्य में बनाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ये रोड जो है पतली हुआ करती थी, और जहाँ जहाँ दोस्तों फ्लाईओवर की स्टार्टिंग है ऐसे ऐसे आपको ये CCTV लगा हुआ देखने को मिलेगा। और देखिए ये है एक हेल्पलाइन के लिए, जैसे कि आपको कोई ज़रूरत हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं, ऐसे फ़ोन लगे हुए मिलेंगे आपको। और देखिए ये वाला अभी लास्ट टाइम की जब वीडियो आप देखे होंगे तो ये कैसा इस जगह पे था हुआ करता था, जो कि मैं अपनी वीडियो यहीं से शुरू करता था। आप देखिए ये कैसा है मौके पे अभी, जो कि काफ़ी, मतलब थोड़ा बहुत काम बाकी है 15% मान लीजिए। और देखिए बीच बीच में लाइट लगाने के लिए वो भी लगा हुआ है जो कि उस पर पोल्स लगेंगे, रात में काफ़ी अच्छा रोशनी करेगा। और देखिए काफ़ी अच्छा आवागमन हो गया है रायबरेली से, जगदीशपुर से, और भी इधर कई जगह पड़ते हैं, तो इन लोगों को अयोध्या आने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, और अयोध्या के जो होंगे उनको रायबरेली जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा दिनों से ये मतलब फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये है बारून बाज़ार के ठीक बाईपास ये हो गया है, और इधर से ये बारून बाज़ार की ओर जाता है मार्ग। अब ऊपर के साइड देखिए फ्लाईओवर के ठीक वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है NH 330A रानी बाज़ार। रानी बाज़ार दोस्तों आगे पड़ता है जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अब देखिए इधर सब ये देखिए आपको घर जो है थोड़े बहुत टूटे हुए दिख रहे हैं, ये सब घर जो है दोस्तों यहाँ तक हुआ करते थे, रोड जो है बहुत ही पतली हुआ करती थी। अभी देखिए ये जो फ्लाईओवर है इस जगह पे आके इसकी एंडिंग है, वो तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और काफ़ी सही है। एक चीज़ और आप गौर कर रहे होंगे दोस्तों कि देख रहे होंगे कि ये जो है डामर की रोड बनी हुई है, और जो हाईवे पर आप देखे होंगे जो NH 28 है अभी जब अयोध्या के पास जो गया हुआ है वहाँ कहीं कहीं सीमेंटेड वाला रोड, मतलब ढलाई वाला बना हुआ है, और ये वाला डामर रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लाइफ इसकी अच्छी होती है अगर इसमें डुप्लीकेट ना किया जाए काम तो। अब ये स्कूल है, स्कूल के ये देखिए पास में ये लोहे की रेलिंग ऐसे
लगाई गई है। रेलिंग्स आगे की भी, आगे भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ, लगाई गई है। और यहाँ पे देखिए गोंडा 71, अयोध्या धाम 24 और अयोध्या 11। अयोध्या धाम वो जगह है जहाँ प्रभु श्री राम जी की मंदिर का पूरा एरिया है, और अयोध्या वो एरिया है जो कि पहले फैजाबाद था, वो अयोध्या है, ऐसा कुछ है। अब देखिए लेटेस्ट में ये वाली लाइट्स लगी हुई है यहाँ पे, जो इंडिकेट कर रहा होगा पीले कलर का ये लगा हुआ है इस साइड की ओर, जो कि सोलर पावर से इसको मतलब मिलती है पावर। और दोस्तों देखिए ये यहाँ से रानी बाजार स्टार्ट है, और यहाँ पे ये देखिए विश्राम करने के लिए ऐसे ऐसे बनाए गए हैं रोड्स पे, इस वाले NH 330 पे। और बीच बीच में दोस्तों पेड़ पौधे भी छोटे छोटे लगा दिए हैं, जो कि अब पूरा बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। और देखिए यहाँ पे ये रेलिंग्स जो है लोहे की लगाई गई है, काफ़ी अच्छी देखने में लग रही है, ब्लैक एंड वाइट कलर में। और ये दोस्तों पूरा रानी बाज़ार एरिया है, जितना भी मार्केट आपको पड़ेगी इस रोड पे हर जगह ये बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं। नाइट्स का भी वीडियो बनाने का बहुत मन है, मगर कैमरा जो है मेरा उतना अच्छा नहीं है दोस्तों, इस वजह से मेरी कोशिश रहती है कि दिन में दिखाया जाए। हाँ, कैमरा मेरा जब भी अच्छा आ जाएगा तो आपको नाइट्स के भी वीडियो देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये पूरा का पूरा रानी बाज़ार मार्केट, तो सोचिए दोस्तों पहले कितना ज़्यादा मतलब कम मतलब रोड पतली थी, अब कितना ज़्यादा रोड चौड़ी है। और रानी बाज़ार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मार्केट है इधर के लोगों के लिए, ज़रूरत के हर सामान इधर मिल जाते हैं। और देखिए इधर सब आपको ये देखिए घर वगैरह इधर भी काफ़ी ज़्यादा टूटे थे, जो कि पूरे के पूरे यहाँ आगे आगे तक हुआ करते थे, उस साइड की ओर भी आगे आगे हुआ करते थे। अब देखिए ये लाइट जो है यहाँ भी लगी हुई है इंडिकेट करने के लिए। और यहाँ पे देखिए 200 मीटर अहेड, मतलब जो वो आप इमरजेंसी फ़ोन कर सकते हैं 200 मीटर के बाद। आपको लेफ्ट साइड की ओर अभी दिखाता हूँ मैं। और स्पीड लिमिट जो है दोस्तों देखिए कार की जो है 100 और ट्रक्स की जो है 80 है, इस पर ऐसा इंडिकेट है। ये देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है इमरजेंसी फ़ोन, तो अभी ये मे भी चालू नहीं होगा। और यहाँ से सर्विस रोड आरंभ है, आप देखिए ये वाला जो है यहाँ से एक फ्लाईओवर है, आगे पड़ेगा आपका सरियावा चौराहा पड़ता है, अभी आपको दिखाते हैं, चलिए चलते हैं वहाँ पे। और देखिए पुल आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा किस तरीके से, मतलब एक ये वो पड़ा आपको देखा, आपने देखा होगा पीछे एक ये है, इसके बाद एक पड़ता है लास्ट वो वाला जो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर पड़ता है, वो जो एकदम ठीक लास्ट पुल पड़ता है अयोध्या पहुंचने से पहले। अब देखिए ये वाला जो मार्ग है सीधा सोहावल के साइड जाता है, सोहावल से होते आप लखनऊ वाले रोड पर जा सकते हैं। और ये वाला जो मार्ग इधर के साइड गया हुआ है पुल के नीचे नीचे, ये गया हुआ है मसौदा की तरह, मतलब सुल्तानपुर वाले मार्ग पे आप जा सकते हैं। तो देख लीजिए सरियावां चौराहे की स्थिति क्या हुई है, तो ये है बिल्कुल दोस्तों एकदम लेटेस्ट वीडियो। एक चीज़ और दिक्कत क्या है, मतलब वो सही है, जैसे कि अगर कोई उस पार से इस पार आना चाह रहा है तो वो फ्लाई ओवर के ही ठीक नीचे से इस पार आ सकता है, बीच में से कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है। अभी मुझे को खुद 1 किलोमीटर पीछे जाके फिर इस साइड आना पड़ा था। देखिए यहाँ वाला फ्लाईओवर, थोड़ा सा आपको चलते हैं इस वाले फ्लाईओवर का दिखा के लाते हैं क्या चीज़ कैसे बना हुआ है। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में, मतलब ये बीच बीच में देखिए लाइट्स के लिए ये सब बनाया गया है, यहाँ बीच बीच में जो मट्टी है इसमें पेड़ पौधे बैठाए जाएंगे। देखिए कुछ ऐसा बना हुआ है, थोड़े बहुत काम बाकी होंगे इसीलिए रुका हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये कोई ऑफिशियल बस है PMC की, देखिए ये बन के रेडी भी हो चुका है, बस किसी
वजह से ये रुका हुआ है, नहीं तो इसको स्टार्ट कर दिया जाता। देखिए एकदम ये पुल के ऊपर एकदम कंप्लीट है, बस लाइट्स वगैरह लगना है। देखिए यहाँ बीच में खाली है कि नहीं, जगह कि नीचे दिख रहा है तो पूरा खाली है, दिख रहा है। ओहो, गाड़ी गिरते गिरते बची, चलिए कजुआ नहीं। देखिए यहाँ से आपको दिखाते हैं सोहावल वाला मार्ग, ये देखिए वो नीचे गया हुआ है आगे की साइड, जो भी मैं दिखा रहा था आपको। चलते हैं यहाँ से। तो देखा दोस्तों आपने, ये फ्लाईओवर बन के तैयार है, बस अपने आखिरी चरण में है और कोई वीवीआईपी ही इसका उद्घाटन करने आएगा। यहाँ से मऊ सिवाला देखिए इंडिकेट किया गया 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं पुल के नीचे, वहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए आ गए हैं यहाँ पे, फिर से वापस इधर से चलते हैं हम आगे, दिखाते हैं आपको। देखिए जैसा मैं बता रहा था, जहाँ जहाँ फ्लाईओवर मतलब है वहाँ पे ऐसे सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो हो सकता है सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट फ्लाईओवर के आसपास ही होता हो, तो इस वजह से लगा हुआ हो। और यहाँ देखिए ट्रक ले भाई, मतलब 500 मीटर की दूरी पे जैसे ट्रक्स जो हैं अगर उनको रुकना हो तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छा है कि अब बीच में रोड पे ना खड़ा करके वो साइड में इनको जगह दी गई है, उस जगह पे जाके खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक स्कूल है, जीएस पब्लिक स्कूल, और इस जगह पे भी मतलब थोड़ा सा और सेफ्टी करना चाहिए था, जैसे कि बच्चों को थोड़ा और सेफ्टी रहे। देखिए ये बाथरूम बनाया गया है इस साइड को, एक इधर है और एक आगे वहाँ पे पड़ता है, तो अभी तक ओपन नहीं हुआ है, बस बना हुआ है, पता नहीं कब ओपन करेंगे। देखिए ट्रक ले भाई जो मैं बता रहा था, इसको बोलते हैं ले भाई, मतलब इस साइड की ओर आप आ सकते हैं। जैसे अब ट्रक इधर खड़ी होगी, कोई भी गाड़ी होगी इधर खड़ी होगी, सेफ रहेगा, उधर से आप एकदम मतलब निश्चिंत रहेंगे इस साइड। ये चीज़ बहुत ही अच्छा, कई जगह मैंने आते जाते देखा है ट्रक ले भाई बनाया गया है। अब देखिए इधर भी लाइट्स है मतलब साइड साइड में, तो ये चीज़ सही है, जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसा वैसा किया गया है। अब देखिए जैसे फ्लाईओवर का जब एंडिंग होता है तो ये लगा के रोका जाता है, जैसे यहाँ पे रखा गया है तो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है तो जाके मतलब होता है। जैसा कि अभी मैं बताया था, अधिकतर इधर सरकारी ज़मीन, अगर प्राइवेट भी होगी तो इन लोगों ने किराए पर ले रखा होगा। अब देखिए छांव आ रहा है, वाह भगवान जी थोड़ा सा मेहरबान तो हुए। देखिए यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, तो ऐसे ऐसे मतलब इधर के साइड पे हर हो सकता है 20-20 किलोमीटर पे ऐसे ही प्लांट लगा के काम किया जाता है। अब देखिए मऊ सिवाला जो CHC होता है सरकारी हॉस्पिटल, इधर के साइड पड़ता है, जो कि बिल्कुल अब नहीं पता चलता है क्योंकि आगे का काफ़ी चीज़ टूट चुका है, जो बोर्ड्स वगैरह थे, तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि एकदम नहीं पता चलती है अचानक से कोई आए जाए तो। देखिए यहाँ पे एक अंग्रेजी वाइन शॉप की दुकान पड़ती है, वो वहाँ पे है अंग्रेजी शराब की दुकान, तो भैया जो शौकीन हो गए इन सब चीज़ों के वो आ सकते हैं। और यहाँ देखिए एक है गोदाम, किराए के लिए खाली है, तो जो गोदाम वगैरह खोलना चाहता है या उसको ज़रूरत है यहाँ पे आ सकता है, पता कर सकता है, तो लिखा हुआ था तो मैंने सोचा आपको लोगों को बता दूं। चलते हैं यहाँ से आगे, अब पड़ेगा मऊ सिवाला। अब देखिए यहाँ से फुटपाथ थोड़ा थोड़ा स्टार्ट है क्योंकि अब मऊ सिवाला स्टार्ट हो चुका है। ये पूरी मार्केट देखिए मऊ सिवाला है, यहाँ पे भी आपको ये बड़ी बड़ी जो हैं लाइट्स दिख रही होंगी, रोड लाइट्स। तो ये बच्चों की छुट्टी हुई है अभी स्कूल की, जैसा कि मैंने बताया था कि अभी 1 बज रहे हैं और अभी 1:15 हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो। और ये मऊ सिवाला मंदिर है, इसी मंदिर के जैसे इस जगह का नाम मऊ सिवाला है, तो इस मंदिर का भी हिस्सा टूटा था इस रोड चौड़ीकरण में, रायबरेली 4 लेन।
तो हम चलेंगे सीधे, और एक मार्ग देखिए यहाँ से ये कटा हुआ है जो कि 14 कोसी मार्ग भी पड़ेगा इस वाले मार्ग पे जाने पे, और रामपथ मार्ग भी पड़ेगा इस वाले मार्ग पे जाने पे। और देखिए यही लास्ट ये है पुल जो कि पड़ता है अयोध्या शहर में घुसने से, एंट्री करने से पहले ये लास्ट मतलब फ्लाईओवर, यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। और यहाँ पे ये देखिए सरकारी बसें आके जो कबाड़ा स्थिति में है आके, इनका हो सकता है कुछ बिक विक रहा होगा, इनको बेचा जा रहा होगा इनका जो भी वेस्ट मटेरियल होगा। चलते हैं थोड़ा सा इस वाले फ्लाईओवर के ऊपर, आपको दिखाते हैं वहाँ से चीज़ें, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, अच्छा मतलब दूर दूर तक समझ में आता है। तो देखिए अब ये वाला जो है इसी का काम बचा है, और पीछे का आप देखे होंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मतलब बनी हुई दिखी होंगी। तो दोस्तों ये जो है इस पार से जाते क्रॉसिंग होते हुए उस पार निकलेगा करीब जाके, वो जहाँ पे शारदा नहर पड़ती है उधर के साइड। और देखिए यहाँ तक ये गिट्टी वगैरह डाला गया है। अब देखिए फ्लाईओवर की स्थिति क्या है इधर की, देखिए कितना ज़्यादा चौड़ा है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। अब देखिए ये ब्लैक कलर का जो पट्टा है इसको ऐसे नीचे से ऐसे ऐसे घुमा घुमा के रोका जाता है कि मतलब खिंचाव ना पड़े, ताकि वो चीज़ उस साइड की ओर ना भाग पाए। ये देखिए सनबीम स्कूल इधर है इस साइड की ओर। अब भी देखिए अब यहाँ से ये सीधा देखिए जाएगा उस पे सामने की ओर जाके मिलेगा, और उधर के साइड शारदा नहर के साइड जाके वो मतलब उधर की साइड इसका ढलान है इस वाले पुल का। अभी हम चलेंगे उधर के साइड, आपको दिखाएंगे, उधर का भी अपडेट देंगे। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं एक चीज़, देखिए कितने सिस्टम से इसको ये फंसाया गया, ये लोहे का यहाँ पे ये लगाया गया, ये पट्टा काफ़ी मज़बूत है, मतलब ये जो है ना सड़ेगा ना गलेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा एकदम कई साल तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको ऐसे इसमें देखिए ये फंसा के इसके अंदर से डाल के इधर की ओर खिंचाव रहता है इसका, ताकि ये चीज़ उधर ना भागने पाए। तो ऐसा कुछ है, और आपको नीचे का थोड़ा सा दिखाते हैं सीन, देखिए क्या सीन है। ये इधर का बन चुका है, आगे थोड़ा सा बाकी है, बगल से ही रास्ता इसका भी रहेगा। तो ऐसी कुछ स्थिति हुई है। तो चलिए चलते हैं नीचे वहाँ पे पुल के साइड से, वहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं अब इधर की स्थिति क्या है, कैसे है। और थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया गया है जिससे थोड़ी बहुत राहत है। आप राइट साइड की ओर दोस्तों, नीचे के साइड काफ़ी ज़्यादा स्पेस खाली है, पूरा एकदम आगे तक वहाँ तक है। अभी जो है थोड़ी देर पहले छिड़काव हुआ था, बट अब सूख चुका है, गर्मी भी काफ़ी तेज़ हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा धूल फिर से उड़ने लगी है। यह है दोस्तों सनबीम स्कूल अयोध्या का। आप देखिए ये सब पूरा आपको नीचे से समझ में आ रहा होगा, ये सब इधर पूरा बन चुका है, नहीं तो पिछले वीडियो में जो था इधर का ये जो है ये सब नहीं बना हुआ था। आप देखिए क्रॉसिंग के नीचे की भी जो स्थिति है वो कुछ अभी मौके पे ऐसी हुई है जो कि बन के कंप्लीट है। तो सबसे लेट वाला काम इधर ही होता है, क्रॉसिंग के ऊपर जो बनाया जाता है। अब देखिए पुल पर से जैसे किसी को नीचे आना हो तो उसके लिए सीढ़ी बनाई जा रही है, एक इस साइड है एक उस साइड की ओर बनी हुई है सीढ़ी। अब देखिए हम इधर से ऐसे उतरते हैं, अब जो है ढलान दोस्तों देखिए फ्लाईओवर का, अब इधर ही से ये सामने होते हुए जाएगा, उधर के साइड शारदा नहर के पास ढलान है इसका। देखिए एक सीढ़ी जैसा वहाँ पे बनाया गया इस साइड की ओर, तो काफ़ी सही है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाके आदमी सीढ़ी पे जा सकता है। तो बनने दीजिए, फिर ऊपर का भी आपको अपडेट देते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। अभी देखिए मौके पे क्या स्थिति हुई है, यहाँ पे
अब सोचिए इसको इतना ज़्यादा मिट्टी भरा जाएगा उस हाइट तक पीछे, तो जाके इसको मिलाया जाएगा। अभी देखिए इधर सब जो है पूरा एकदम अपना जो जितना एरिया है रोड का वो ले ही रहे हैं लोग। अब देखिए इसी जगह पे आके ये ढलान होगा इस वाले लास्ट जो है फ्लाईओवर का। और ये है दोस्तों शारदा नहर जो कि सोहावल पंपिंग से आती है। देखिए यहाँ पे रोड का निर्माण कार्य हो रहा है, काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें मतलब आपको दिख जाएंगी। दिखाते हैं आपको थोड़ा सा रोड का निर्माण कार्य। तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं अब इस मार्ग को कंप्लीट होने में, तो देखिए किस तरीके से यहाँ निर्माण कार्य हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, एकदम एक नंबर की रोड बन चुकी है। हाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये सब मतलब अब जान जाइए बहुत ही जल्दी काम होने वाला है यहाँ पे। चलिए चलते हैं, बस थोड़े ही दूरी पे है रायबरेली बाईपास, मतलब जो NH-28 है तो उस साइड वाला अभी नहीं बना है। एक ये है पुल, एक वो है, एक उसके भी बगल है, जैसे इतना एरिया इस साइड छूटा हुआ है ठीक उधर भी है। सोचिए इतना ज़्यादा स्पेस इधर के साइड चौड़ा है काफ़ी ज़्यादा। तो लग रहा है कि अगली बार आऊँगा तो काफ़ी चीज़ें कंप्लीट मिलेंगी इधर भी। अभी देखिए कितनी सारी मशीन है इधर सब। अभी इस वाली बड़ी वाली जो मशीन है उसको उतारने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है। अभी देखिए यहाँ पे ये डामर डाला जा रहा है। एक चीज़ और आपको दिखाते हैं दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से, देखिए ट्रायल के रूप में ये ऐसा कुछ रोड बनाया गया है। ये देखिए इधर ये पूरा काफ़ी चौड़ा स्पेस है इधर, और उस साइड के किनारे देखिए रोड बनी है थोड़ा, तो बस इधर से भी बनना बाकी। वहाँ पे एक डिस्प्ले लगाया गया है, LED डिस्प्ले है और उसके आगे CCTV कैमरा है। तो LED डिस्प्ले में इंडिकेट किया जाएगा जो भी मतलब रोड पर जैसे किसी को एडवर्टीजमेंट कराना हो कुछ भी कराना हो मतलब तो वो कर सकता है, मतलब उससे भी थोड़ी बहुत रोड की कमाई वगैरह हो तो सही तरीका है ये भी। अब देखिए ये बिल्कुल एकदम NH-28 जो मतलब शहर के बिल्कुल नज़दीक ये ऐसी रोड की स्थिति हुई है। तो सबसे पहले इधर बना फिर इधर बना, तो अभी जो है बीच में और मतलब डिवाइडर बनेगा, तो काम बाकी है अभी करीब मान लीजिए 15% 10% बस यही, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो थोड़ा सा मौसम और अच्छा हो गया है, नहीं तो अभी तक काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप थी। इससे ज़्यादा चहल पहल तो उस वाले रोड पे है, मसौदा वाले पे है, और उससे भी ज़्यादा तो लखनऊ वाले रोड पे है। और इधर सब दोनों साइड जो है लोहे का रेलिंग लगेगा, तो इस सब टाइप की चीज़ें जो हैं अपडेट देखिए यहाँ पे ये दर्शाया गया है। राम जन्मभूमि 12 किलोमीटर, हाँ देखिए टोल रोड समाप्त। NH-330A तो अब इस जगह से राम जन्मभूमि जो है 12 किलोमीटर के दूरी पे स्थित है अयोध्या धाम, और इधर पुल के उस पर पूरा का पूरा अयोध्या शहर। तो ठीक है दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना